फ्रेंड्स, हैप्पी एनवायरनमेंट डे। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट डे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे आपको ये समझ आएगा कि एनवायरनमेंट डे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब होता है अपना पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब ये है कि जो हमें चारों ओर से घेरे रहते हैं, जैसे बड़ी बड़ी चट्टाने, बड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी नदियाँ, मीठी मीठी हवा का झोंका और बहुत सी चीज़ें, जैसे कि पेड़ पौधे। तो आपको एनवायरनमेंट का मतलब तो समझ ही आ गया होगा ना। तो चलिए अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। लेट्स गो। एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसका मकसद ये है लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक करना होगा। एनवायरनमेंट डे के दिन हमको अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खुद से कुछ प्रॉमिसेस करने होंगे। तो चलिए शुरू। तो हमारा पहला प्रॉमिस ये है कि हमको साल में एक पौधा तो लगाना चाहिए। देखिए, आज मैंने ये पौधा लगाया। ऐसे भी आप सब प्लीज़ ऐसे पौधे लगाते रहिए। साल में एक बार तो हमको कोई पेड़ या पौधा तो लगाना ही पड़ेगा ना। और लोगों को पेड़ काटने से मना करना होगा। पेड़ लगेंगे तो हरियाली आएगी, हरियाली आएंगे तो धूप से बचेंगे, धूप से बचेंगे, बारिश होने में मदद मिलेगी, मीठी मीठी हवा आएगी, हम पेड़ की छांव में बैठकर पेड़ भी तो उगा सकते हैं। जैसे आम का पेड़ तोड़ के हम आम खाएंगे। सोचो फ्रेंड, आम कितने टेस्टी होते हैं, इसलिए हमको एक पेड़ पौधा तो लगाना ही होगा। जैसे यहाँ जो पेड़ है, ये पेड़, वो पेड़, ये देखो, ये पेड़, ये पेड़, बहुत सारे पेड़। फ्रेंड्स, हमको पशु पक्षियों के लिए हर जगह समय समय से पानी रखना चाहिए। अगर उनको प्यास लगी तो क्या होगा, वो पैसे तड़प तड़प के मर जाएंगे ना। अगर ऐसे ये सारी चिड़िया मर गई तो हमारा देश सोने चिड़िया नहीं कहला पाएगा ना, सोने चिड़िया हो जाएगा। इसलिए हमको टाइम टाइम से हर जगह पानी रखना चाहिए, जैसे मैं रखी हूँ। ये देखिए, हमारा दूसरा प्रॉमिस ये है, मैं पानी रख रही हूँ। इससे चिड़िया आएगी, पानी पिएंगी और फिर से उड़ के चली जाएंगी, अपने बसेरे में बैठ जाएंगी। ओ फ्रेंड, ओ भैया, ओ भैया, ओ फ्रेंड, आपने अपनी धरती माँ को क्यों गंदा किया? जाओ चुपचाप कचरा उठा के डस्टबिन, यहाँ डस्टबिन रखा नहीं दिख रहा, तो जाओ चुपचाप फेंको डस्टबिन, फेंको कचरा डस्टबिन में। तुम वो भूल गए, कचरा धरती माँ को गंदा नहीं करना। दोस्तों, ऐसे आप भी सब लोगों को कचरा फैलाने से रोकिए। अगर हम जमीन पर कचरा फेंक देंगे तो डस्टबिन में क्या फेंकेंगे? डस्टबिन तो ऐसे कुछ ना होते होते वो तो बोर हो जाएगी ना। तो हम कचरे वाली जगह पे चलेंगे कि मीठी मीठी हवा वाली जगह पे चलेंगे? इसलिए हमको कचरा जमीन के बजाय डस्टबिन में फेंकना चाहिए। जैसे ये देखो, गए डस्टबिन। दोस्तों, हमारा अगला प्रॉमिस ये होगा कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम करना पड़ेगा और सही जगह उसका यूज़ करना होगा। गलत जगह की मतलब इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। देखो,
यहाँ ऊपर देखो लाइट जबरदस्ती की चल रही है ना। दिन के उजाले में भी अगर लाइट चली तो हम डबल उजाले में नहीं रह सकते। तो चलिए मैं लाइट बंद करती हूँ। वायर ये देखो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कौन सी बटन ऑन, ये वाली, किया बंद, हो गई लाइट बंद। देखिए तो हमको ज़्यादा लाइट का यूज नहीं करना है। बाय दोस्तों, हमारा अगला प्रॉमिस ये होगा कि हमें नदियों के पानी को गंदा करने से रोकना होगा। आपको तो पता ही है पानी हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। आपको तो ये भी पता होगा इनमें कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ रहती हैं, जेलीफिशेस, व्हेल्स, डॉल्फिन्स, बहुत सारी चीज़ें, केकड़े, कछुए, बहुत सारे समुद्री जीव। तो इसलिए आपको नदी में कचरा करना नहीं है, नदी में कचरा करने से रोकना है। दोस्तों तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हमारा पर्यावरण हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो ये पर्यावरण के प्रॉमिसेस को आप फॉलो कीजिए दोस्तों, और अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाएं। उनको काटने, तोड़ने या फोड़ने या गंदा करने से रोकिए। ओके, बाय बाय दोस्तों, बाय, वेलकम, मतलब थैंक यू, बहुत सारे लाइक्स दी दिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। আইয়ে গান্ধীজিকে বতায়ে হুয়ে কদমো পর চলে ওর এক স্বচ্ছ ওর সুন্দর ভারত কি রচনা করেন।